हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैंने आज लिए हैं ये शकलकंदी। मैं शकलकंदी भून रही हूँ, तो ना ही हमें आज बालू चाहिए ना ही नमक चाहिए। मैं कुकर में ये शकलकंदी भूनूंगी आज, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये शकलकंदी ले ली है और इसको बीच में से मैं कट कर लूँगी। जो बड़ी शकलकंदी मोटी शकलकंदी है उनको बीच में से कट कर लेंगे, सारी शकलकंदियों को। इसी प्रकार मैं सारी शकलकंदी कट कर लेती हूँ। और मैं देखिए, एक कुकर लेना है हमें। मैंने ये कुकर ले लिया है, गैस ऑन कर दूंगी और हल्का सा कुकर गरम कर लूंगी। इसमें ऑयल या रिफाइंड या फिर आप जो भी यूज करना चाहो, घी यूज करना चाहो। मैंने घी यूज किया है, एक चम्मच घी डाल देंगे इसमें। और घी को मेल्ट हो गया है, इसको चारों तरफ घुमा देंगे तले में, जिससे ये शकलकंदी रखने पर इस पर लगे ना। मैं ये शकलकंदी इनके तले से रख दूंगी। ये सारी शकरकंदियाँ मैं इनके तले से लगा करके रखूंगी, जिससे ये अच्छे से भून सकें। इस प्रकार हमारी शकरकंदी जलती भी नहीं है और हमें सीटी नहीं लगानी है। सीटी आने से पहले ही हमें ये गैस बंद करनी है, मीडियम आंच पर पकानी है इनको। ये मैंने ये एक पेपर ले लिया है, आप कोई भी न्यूज़पेपर कागज़ ले सकते हैं। उसको मैंने भिगा लिया है, उस भीगे हुए कागज़ को इसके ऊपर रख दूंगी मैं। इसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। अब 2-4 चम्मच पानी इसके ऊपर डाल दूंगी मैं, न्यूज़पेपर के या कागज़ जो भी हो। इस प्रकार हमारी शकलकंदी बहुत ही अच्छी भुनती हैं, हमें सीटी नहीं लगानी है। सीटी आने से पहले ही हमें गैस बंद कर देनी है और मीडियम आंच पर इनको पकाना है। बहुत ही अच्छी भुनती है हमारी शकलकंदी। मैं हर बार इसी प्रकार भुनती हूँ, एक बार आप भी ट्राई करें। और जो हम बॉईल करते हैं उसमें पानी भर जाता है, उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे। देखिए, मैंने ये कुकर खोला है तो देखते हैं। एक एक्स्ट्रा बची थी तो मैंने इसके ऊपर रख दी है वो। आइए इसको कागज़ को हटा कर देखते हैं हमारी शकरकंदी हमने कैसी भुनी है। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। एक इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप नमक के साथ इनको खा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। देखिएगा कितनी अच्छी शकलकंदी हमारी भुनी है। मैं सारी शकलकंदी निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिएगा कितनी एकदम बढ़िया वाली खुशबू आ रही है इनसे। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे। धन्यवाद।